सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 26 जनवरी नूं पंजाब एग्रीकल यूनिवर्सिटी के मैदान में गणतंत्र दिवस मौके तिरंगा झंडा लहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परेड तो सलामी ली। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि गणतंत्र दिवस पंजाब करके आया, पंजाब ने लड़ाइया लड़िया ते शहादतां दित्तियां, फिर गणतंत्र दिवस आया, इसलिए असं गणतंत्र दिवस विशेष तौर पर मनाते हैं। कूका लहर होवे, अकाली लहर होवे, पगड़ी संभाल जट्टा होवे, कामा गाटा मारू होवे, सारिया लहरां पंजाब च आईया ने, इसलिए पंजाब लई खास है। पर अफसोस की गल है कि 26 जनवरी ते 15 अगस्त नूं पंजाब दी झाकी हटा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वालों गणतंत्र दिवस मौके करनाल विखे कौमी झंडा लहराने की रस्म अदा की गई, मार्च पास तो सलामी ले गई। इस दौरान राजपद्री समागम को संबोधन करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत माता की जय के नारे लाए। उन्होंने कहा कि देश के संविधान की पालना करना हर नागरिक का फर्ज बनता है, ता ही असं सही समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस तो बाद मुख्य मेहमान स्टेज से बैठे जंगी योद्धियों के बहादुर शहीदों के परिवारों को शाल भेंट करने लिए नतमस्तक भी हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छतरसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के संबंध में जनता को संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने अपना सारा भाषण भगवान राम के सिद्धांतों को आधार बना के दिया, कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने रामराज के जरूरी 10 सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने कहा कि पार्टी भगवान राम के 10 सिद्धांतों के आधार पर ही दिल्ली सरकार चला रही है। रामायण की कथा से जुड़े श्री केजरीवाल के 35 मिनट के संबोधन में राम शब्द घट्टो घट 53 बार आया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीदों की धरती फिरोजपुर विखे झंडा लहराने के लिए पहुंचे खेड मंत्री पंजाब गुरमीत सिंह मीतेर वालों। सब तो पहला शहीद स्मारक हुसैनीवाला विखे पहुंच के शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जी की समाधि से श्रद्धांजलि भेंट करके नतमस्तक हुए। इस मौके खेड मंत्री मीतेर ने कहा कि असं गणतंत्र दिवस से आजादी इन्होंने शहीदों के वालों देश को आजाद कराने नहीं दी, शहादतों के सदका ही मना रहे हैं, तो सानू इन्हों की याद में कभी भी दिल चो नहीं भुलाना चाहिए, तो इन्होंने दसे हुए नक्शे कदम से चलना चाहिए। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में तिरंगा लहराया, परेड की सलामी ली। इस दिहाड़े की उन्होंने पंजाब वासियों से देशवासियों को बधाई दी। इस मौके पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थौरी समेत वड्डी गिनती में प्रशासनिक अधिकारी भी उन्होंने नाल सन। इस दौरान स्कूली बच्चों ने बैंड का प्रदर्शन भी किया। अज पूरे देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम मनाया जा रहा है। इस तहत मानसा विखे गणतंत्र दिवस मौके पंजाब के माल मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा वालों झंडा लहराया गया। इस मौके उन्होंने सलामी ली, परेड का निरीक्षण भी किया। नेहरू कॉलेज विखे करवाए गए समागम में वख-वख स्कूलों के कॉलेजों के विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। SSP डॉक्टर नानक सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस उत्साह और खुशी नाल मनाया जा रहा है। 75वें गणतंत्र दिवस मौके पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने जलंधर विखे तिरंगा लहराने की रस्म अदा की। इस मौके उन्होंने सलामी ली, परेड का निरीक्षण किया। गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में रखे गए सूबा पद्धरी समागम में वख-वख स्कूली बच्चों वालों रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। 75वें गणतंत्र दिवस मौके होने वाले जिला पद्धरी प्रोग्राम तो पहले बीते दिन गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई थी। डिप्टी कमिश्नर ने परेड का निरीक्षण भी किया। परेड कमांड PPS अधिकारी दमनवीर सिंह ने मार्च पास की सलामी ली। हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस मौके पर सूबे में सजा काट रहे कैदियों को विशेष छोट का लाभ देने का फैसला किया। सरकार ने फैसला किया कि जिन्हों दोषियों 10 साल या इस तो वध उम्र कैद की सजा हुई है उन्होंने 60 दिनों में छोड़ दी जाएगी। इस फैसले के मद्देनजर ही बलात्कारी सौदा साध को भी फायदा होगा। सरकार के इस फैसले कारण सौदा साध 10 दिन होर जेल तो बाहर रहेगा। सौदा साध 20 जनवरी को ही 50 दिनों लिए पैरोल से बाहर आए। सजा सुनाए जाने तो बाद उसको 9वीं बार पैरोल मिली है, तो हूँ 10 दिन होर पैरोल बदन करके वह 60 दिनों लिए बाहर रहेगा। सरकार के फैसले अनुसार 5 साल तो वध ते 10 साल तो घट सजा वाले दोषियों को 45 दिनों की छोट दी गई। कर्नाटक के साबका मुख्यमंत्री जगदीश शेटर भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए ने। पिछलियां विधानसभा चोणों में टिकट न मिलने तो नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए सन। राजधानी स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ते रजीत चंद्रशेखर कर्नाटक के साबका मुख्यमंत्री ते पार्टी संसदीय बोर्ड के मैंबर BSEA की यूरोपा मुख बुलारे मीडिया विभाग के इंचार्ज अनिल बलूनी और पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रधान BY विजेंद्र सिंह की मौजूदगी उन्होंने घर वापसी हुई। अज देश भर में 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। हर कोई मान नाल तिरंगा लहरा के देश में सलाम कर रहा है। गणतंत्र दिवस के इस विशेष मौके पर भारत चीन सरहद के बर्फीले खेत च तैनात इंडो तिब्बत बार्डर पुलिस हिमवीरा ने तिरंगा लहरा के इस आन बान से शान सलामी दी। देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस दी बधाइयां दित्तियां। वीडियो च देखा जा सकदा किवें बर्फीलियां चोटियां तैनात ITPP के जवान तिरंगा लहरा के गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे। पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की धी मरियम ने मनिया कि ब्रिटेन में 4 साल तक रहे उन्होंने पिता को पाकिस्तानी फौज ने घर वापस लिया। मरियम नवाज के इस बयान नाल 8 फरवरी को होने वाली आम चोणों तो पहला विरोधी धिर वालों लाए जा रहे दोषों की पुष्टि हुई है। मरियम ने इतों 80 किलोमीटर दूर ननकाना साहब एक रैली में संबोधन करद दावा किया। मरियम नवाज ने रैली में कहा कि जिन्होंने नवाज शरीफ को सत्ता तो बेदखल किया उन्होंने वापस लेके आए। कुछ समय बाद उन्होंने रैली में दोहराया, उन्होंने हर बार नवाज को सत्ता तो हटाया, कदे जहाज अगवा कांड में कदे अपने पुत्र तो तनखा लैन
के मामले में, पर हुण जिन्हां ने उन्हां नूं सत्ता तों बेदखल कीता सी उही उन्हां नूं वापस ले आए। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर संयुक्त राज्य अमरीका, इजराइल से रूस तो लैके वख-वख देशों के राजदूतों ने भारत को शुभकामनावां दित्ते। नवी दिल्ली नाल होर खुशहाल संबंधों की मांग की। भारत में अमरीका के राजदूत एरिक गारसिटी ने भारत को बधाई दी, अगाह वधू भाईवाली बनाने जोर दिता। गारसिटी ने एक्स से पोस्ट करते लिखे कि 75वें गणतंत्र दिवस से भारत को बधाई है, जिमें कि असं अपने दूत घर में इस विशेष दिन का जश्न मनाते हैं। एक अगाह वधू साझेदारी से होर भी नजदीकी संबंधा, साझे मुल्लां ते आपसी माण वाले भविख का निर्माण जारी रखे। 75वें गणतंत्र दिवस तो पहला पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। इस साल 132 उगियां शख्सियतों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस संबंधी जारी अधिकारी सूची में कई सालों तो पंजाबी फिल्मों में अपनी वक्री पहचान बना चुकी गुलाबो मासी यानी कि अदाकारा निर्मल ऋषि का नाम भी शामिल है। उन्होंने कला के खेत में दिए वडमुले योगदान लिए इस पुरस्कार नवाजा गया। दसनयोग है कि निर्मल ऋषि ने 60 के करीब फिल्मों में अदाकारी की। गणतंत्र दिवस मौके नवी दिल्ली राजपथ से होने वाली परेड में पहली बार महिलाओं की आर्म्ड फोर्स की जल थल वायु सेना की टुकड़ी परेड में शामिल होगी। इस परेड में संगरूर दी ब्रह्मजोत कौर भी हिस्सा लेगी। पिछले साल पंजाब तो चुनिया गई 5 महिला अग्निवीर संगरूर दी ब्रह्मजोत कौर इस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली सिख लड़की है। ब्रह्मजोत कौर कुलवंत सिंह कलकत्ता की धी है, जो कि महिंद्रा कॉलेज पटियाला तो वकालत की पढ़ाई कर रही है। कुलवंत सिंह ने अपनी धी इस उपलब्धि से बहुत मान है। होरना बेनती करते कहा कि धियां चंगी पढ़ाई करवानी चाहिए तो अपने सुपनों को साकार कर सकन। इसलिए मापियां हर तरह की मदद करनी चाहिए। अयोध्या च रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सिर्फ 2 दिन श्रद्धालुओं वालों 3.17 करोड़ रुपए का दान है। इस मंदिर के अधिकारियों वालों यह जानकारी दी गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ खेतर ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के 10 दान काउंटर खोले गए हैं। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भगतों ने दान काउंटर से ऑनलाइन दान के रूप में 3.17 करोड़ रुपए का दान दिया। फिलहाल स्पीड न्यूज बस इना ही, मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।